प्रभारी सूबेदार अंशुल भलावी ने की आत्महत्या। आत्महत्या करने का कारण अज्ञात। मामले की जांच में जुटी मंडीदीप पुलिस। मंडीदीप में यातायात प्रभारी सूबेदार अंशुल भलावी ने आकाश होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। यातायात प्रभारी अंशुल भलावी पिछले 3 दिनों से थाने भी नहीं पहुंचे थे और थाने में उनकी गैरहाजिरी भी डल रही थी। बताया जा रहा है कि अंशुल भलावी होटल के जिस कमरे में रुके थे उसमें से बदबू आने के बाद होटल मालिक ने थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा तो अंशुल भलावी फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। उनका शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही होशंगाबाद रेंज के DIG अरविंद सक्सेना और रायसेन SP मोनिका शुक्ला भी मौके पर पहुंची। वहीं DIG अरविंद सक्सेना ने बताया कि पिछले 2 दिन से इनकी थाने में गैरहाजिरी लग रही थी, लेकिन 7 दिन तक गैरहाजिर होने के बाद ही नोटिस जारी किया जाता है और 7 दिन लापता पुलिस कर्मचारी का इंतजार किया जाता है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। वहीं रायसेन SP मोनिका शुक्ला ने बताया कि अंशुल भलावी को यातायात कमान दी गई थी। वहीं उनको कोरोना वायरस की ड्यूटी के दौरान मंडीदीप होशंगाबाद बॉर्डर पर तैनाती की गई थी। सूबेदार अंशुल भलावी के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आकाश होटल में बदबू महसूस की जा रही है, जिस रूम में रहते हैं, तो उसके बाद जो है पुलिस ने आके दरवाजा तोड़ा तो इस स्थिति में जो इनका शव मिला, तब स्थिति क्लियर हुई कि इन्होंने हैंगिंग कमिट कर ली। नहीं, इसमें मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट दर्ज की गई रोजनामचा में कि मतलब ये आए नहीं है 30 तारीख को और 31 तारीख को, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आदमी जब उपस्थित होगा तभी कारण पूछे जाते हैं। कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं जैसे आदमी अस्वस्थ पड़ जाता है तो उसमें 7 दिन के अंदर उसको सूचना देने का अधिकार है, तो हम लोग कम से कम 7 दिन वेट करते हैं कि ऐसा तो नहीं किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने अपने को अलग कर लिया हो बीमारी के कारण या अन्य अवस्था में। इसलिए मतलब जो है मोबाइल कॉल्स किए गए उनको, इसके अलावा जो उनके सहयोगी से पूछा गया, लेकिन इनके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण उनको 2 दिन खोजा नहीं गया है।